Hello students, I welcome you all to Olive Court. Myself, Advocate Mansi Mittal. I have done BA LLB. Currently, I am practicing at Delhi Courts. I have taught over thousands of students through various online platforms. Soon, Olive Court is going to start a new course that is Judiciary Exam Preparation Course. And I am going to be one of the faculty of the course. Hopefully, I'll be teaching you all the major subjects of law through live online sessions in which I'll be providing you the proper notes. Also, we'll be discussing case laws plus most important previous year questions. Here, we provide end-to-end preparation to our aspirants so that they can achieve their desired goals. So, I hope to see you at my live sessions. So stay tuned with Olive Board. All the best students. Good morning class, कैसे हैं आप सभी? Welcome to SSCTU by Olive Board. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी स्टैटिक जीके की क्लास में जो होती है डेली 11 बजे. लेकिन डेली किसी ना किसी रीज़न की वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास स्टार्ट होते होते 5-7 मिनट ऊपर खींच जाती है. और आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा चला गया इसमें. तो कोई बात नहीं, आज हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे. और आज के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं ये ऐसे हैं जो एसएससी और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो ये आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ये अभी रीसेंट के क्वेश्चंस हैं और जो एसएससी और आपके रेलवेज के एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ठीक है, स्टार्ट करें क्लास. गुड मॉर्निंग महादेव शंकर, गुड मॉर्निंग यश, रितेश, देवाशीष, राजेंद्र, ए के आशीष, सुमिता, विवेक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. फटाफट से एक बार शेयर कर दो वीडियो को एंड लाइक कर दो. फटाफट से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो. और देखो, जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. उसे आपको हमारी जितने भी चैनल पर जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सब की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. ठीक है, क्लास करें स्टार्ट. क्लास स्टार्ट करें. ओके देन, लेट्स गो. सब्सक्राइब्ड, हाँ. क्यों नहीं किया शेयर? तुम्हारे हाथ तो रोके नहीं है मैंने. जाओ शेयर करके आओ पहले. ठीक है, ऑलिव बोर्ड के इधर आपको क्या मिलेगा ये देखो. जिसको भी सीजीएल टीयर टू की प्रिपरेशन करनी है क्वांट सेक्शन के लिए तो आप अभिमन्यु बैच ले सकते हैं क्वांट का. कहाँ पर मिलेगा? मिलेगा आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पर. 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. और इसको पढ़ाने वाले कौन है? रविंदर सर. नेक्स्ट है ऑलिव बोर्ड ऐप जो डाउनलोड करोगे इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए. आपको डेली फ्री जीके एंड करंट अफेयर्स मिलेंगे. मैं बहुत अच्छी हूँ सत्या, आप कैसे हैं? बहुत टाइम बाद आपको देखा है, आपसे बात कर रही हूँ. गुड मॉर्निंग राजेश, गुड मॉर्निंग सत्या, कैसे हैं आप दोनों? और लाइव क्लासेस मिलेंगी प्रैक्टिस सेशन के साथ में. और ये कहाँ पर मिलेगा? ऑलिव बोर्ड ऐप पर. ऑलिव बोर्ड आपको ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है? प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करनी है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी इजी है. सागा दावा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज़ सेलिब्रेटेड. ये रिसेंट वाले CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था कि सागा दावा जो फेस्टिवल है, जो बुद्ध के बौद्ध त्यौहारों में सबसे बड़ा फेस्टिवल त्यौहार माना जाता है, ये कौन सी स्टेट से है? बहुत अच्छे देवाशीष का आंसर आया है, देन आया है अभय का आंसर आया है, बहुत अच्छे देवेंद्र ने आंसर किया है, सेकंड यश ने आंसर किया है, सेकंड महादेव ने आंसर किया है सिक्किम. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिक्किम. सागा दावा जो ये त्यौहार मनाया जाता है ये बेसिकली बौद्ध लोग मनाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग बनाते हैं. किसके उपलक्ष्य में? कि जो गौतम बुद्ध की जितनी जो डेथ बेड पर, यानी कि जब वो बिल्कुल मरने के उस पे शैया पे लेटे हुए थे तो उनकी जो लास्ट विशेष थी, उनकी जो इच्छाएं थी उसको याद करते हुए ये फेस्टिवल बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CHSL के अंदर ही. किसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की कलकत्ता के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? प्रशांत चंद्र महल नबिस, सुबेंदु शेखर बोस, J.M. सेन गुप्ता या फिर R.N. मुखर्जी? बताइए आंसर क्या होगा. इधर फटाफट से आंसर करो, इधर क्या होगा?
फटाफट से इधर आंसर करो। आंसर आ रहा है यश ने बोला है वन, सत्य ने बोला है ए, अभय ने बोला है थर्ड, देवाशीष ने बोला है पीसी मेलनबिस। बहुत अच्छे जितने भी लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं पीसी मेलनबिस यानी कि प्रशांता चंद्र मेलनबिस करेक्ट आंसर यही होगा। इन्होंने कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कलकत्ता के अंदर जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है पहले तो उसके अंदर सांख्यिकी लैब की स्थापना की यानी कि स्टैटिस्टिकल लैब इन्होंने उसकी स्थापना की। कब की स्टैटिस्टिकल लैब की स्थापना की इन्होंने 1920 के अंदर और फिर 1930 में इन्होंने किसकी स्थापना की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, वो भी कहाँ पर, वो भी कलकत्ता के अंदर ही। ठीक है, और पीसी मेलनबिस नाम का मॉडल आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, जल्दी से बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, ये होगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान है वो किसके ऊपर आधारित है, वो आपका पीसी मेलनबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। थैंक यू सो मच सत्या। नेक्स्ट क्या होगा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भामिदीपति साई परनीत या आप बी साई परनीत के नाम से भी आपने ये नाम सुना होगा, तो आपको बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या फिर हॉकी। अच्छा आपको हिंट दूँ एक, बहुत अच्छे अब है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। हिंट ये है आपका, बताई दिया अब तो मैंने आंसर, देखो ये प्रणीत है इनके जो कोच हैं वो हैं गुलेला गोपीचंद जो साइना नेहवाल के कोच हैं, बैडमिंटन ये खेलते हैं और इन्होंने बैडमिंटन में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है जो WBF है 2019 में इन्होंने उसकी जो चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और कब जीता था 2019 में और ये सेकंड बने थे ऐसा मेडल जीतने वाले। सबसे पहले कौन से थे, सबसे पहले थे प्रकाश पादुकोण यानी कि दीपिका पादुकोण के पापा। ठीक है, उन्होंने 1983 में जीता था मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में और इन्होंने जीता था, उनके बाद में जाके इन्होंने जीता 2019 में ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ था, ये सीजीएल के प्री में आया हुआ था कि इनमें से कौन सी यूनिट है जो डाटा प्रोसेस भी करती है, जितना भी डाटा है उसको आगे ले जाने का काम भी करती है, जितना इनपुट डालती है इसमें जितना भी डेटा डालते हैं उसको प्रोसेस करने का काम करती है, दूसरा उस डेटा का को स्टोर करने का यानी कि उसको संभाल के रखने का, स्टोर डाटा एंड उसके बाद में आउटपुट रिजल्ट यानी कि आखिर में उस इनपुट से जो रिजल्ट परिणाम आए हैं वो दिखाने का काम, ये तीनों काम कौन करता है, ये करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, इसी को ही बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की ये मस्तिष्क है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट, इन विच ईयर द काल बेलिया फोक डांस एंड फोक सॉन्ग एंड डांसेस ऑफ राजस्थान इंक्लूड यूनेस्को की जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर इसको कब रखा गया। इनटेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, अमूर्त चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो जो गाने हैं जो डांस हैं वो आप महसूस कर सकते हैं और ये भी कैसा है, कल्चरल हेरिटेज यानी कि हमें विरासत, सांस्कृतिक विरासत है ये हमारी। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ लिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, पेरिस। कहाँ पर है इसका, पेरिस। और ये कब इंक्लूड किया गया है, ये इंक्लूड किया गया है 2010 में, कब किया गया है 2010 में, काल बेलिया को, जिसको काल बेलिया को बोलते हैं, सपेरा डांस भी बोलते हैं। ठीक है, सपेरा डांस भी बोलते हैं, स्नेक चार्मर डांस भी बोलते हैं, स्नेक चार्मर यानी कि सांपों को लुभाने के लिए जो डांस करते हैं सपेरे, वो बीन बजा के जो डांस करते हैं काल बेलिया। और ये कौन सी परफॉर्म करती है, ये काल बेलिया ट्राइब है यानी कि जो यहाँ पर काल बेलिया जनजाति है वो इसको कालबेलिया ट्राइब वाले करते हैं। ठीक है, और इसको 2010 में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, द फोक डांस बोहाग बीहू, ठीक है, फोक डांस कहो या फेस्टिवल कहो,
ठीक है, ये फोक डांस कहो या फेस्टिवल कहो, बोहाग बिहू जो एक त्यौहार होता है उस पे जो डांस होता है उसको भी बोहाग बिहू कहते हैं, ये किस में प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, असम, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड, बताइए आंसर इधर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, सभी ने बोला है कि मैम आंसर होगा असम। अच्छा आंसर होगा असम, तुम्हें मैंने कल ही बताया था ये जो बोहाग बिहू है ये कौन से महीने में बनाया जाता है। बोहाग बिहू जिसको हम और क्या बोलते हैं, रोंगली बिहू, क्या बोलते हैं, रोंगली बिहू भी बोलते हैं, ये कौन से महीने में मनाया जाता है असम के अंदर, कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अप्रैल मंथ में। एक आता है काटी बिहू या फिर कोंगाली, ठीक है, कंगाली कब आती है, जब तुम दिवाली पे बहुत लोगों को गिफ्ट दे दे के आते हो तो एकदम कड़की छा जाती है, कंगाली सी छा जाती है, पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कब आती है, वो अक्टूबर में। काटी बिहू या कोंगाली बिहू कब मनाते हैं, अक्टूबर में। और फिर आता है आपका भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, या फिर माघ बिहू ये कब आता है, ये आपका आता है जनवरी में, ठीक है, ये कब आता है आपका जनवरी में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ भूटान, भूटान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, शीशम, साइप्रस, इबोनी या फिर पाइन, बताइए आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इधर देखो भूटान और इन सब से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अबे ने आंसर किया इबोनी, देवशीष ने आंसर किया है शीशम, यश बोल रहे हैं हम तो सोन पापड़ी फॉरवर्ड करते हैं आगे, ये बात तो सच है, हमें कहीं और से आया, हमने किसी और को चिपकाया, वो किसी और को चिपकाएंगे, सोन पापड़ी लूप में चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साइप्रस, साइप्रस भूटान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम क्या है, साइप्रस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग चीज़ें में, इन ये जो निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ किससे है, ये ब्रेंट इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कॉपर फ्यूचर प्राइसेस, गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस या फिर शिपिंग रेट इंडेक्स, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इधर। विवेक ने आंसर किया है 1, देवाशीष ने आंसर किया है 3, ओके। तो देखो ये जो तुम्हारा ब्रेंट इंडेक्स है ये बेसिकली होता है आपकी परचेजिंग पावर, यानी कि परचेजिंग पावर डिसाइड करने के लिए, परचेजिंग रेट डिसाइड करने के लिए किसका, कि कितना परचेजिंग रेट होना चाहिए, परचेजिंग प्राइस क्या होना चाहिए आपके क्रूड ऑयल का, किसका, क्रूड ऑयल का, जो आप बाहर से क्या करते हो, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये क्रूड ऑयल है, ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं, हम बाहर से गल्फ़ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रेंट इंडेक्स किसके लिए होता है, ब्रेंट इंडेक्स दिखाता है अलग अलग प्राइजेज, अलग अलग साल में अलग अलग मूल्य किसके, क्रूड ऑयल के, किसके, क्रूड ऑयल के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 आई, तृतीय आई 1961 से 66 या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 66 से 67 तक, बहुत अच्छे देवशीष एकदम सही, दीपेश टाइमिंग अच्छा थैंक यू सो मच, दीपेश टाइमिंग है सुबह 11 बजे, 11 AM, ठीक है, सुबह 11 बजे क्लास होती है स्टैटिक जीके की, सुबह 11 बजे क्लास होती है स्टैटिक जीके की, टॉपिक वाइज होती है, आज मैंने ऐसे ही ये ना एक हफ्ते पहले लगा देती हूँ मैं शेड्यूल, बाद में मैंने सबकी डिमांड देखी कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम टॉपिक वाइज ही कराओ, तो ये मैं पहले ही शेड्यूल कर चुकी थी इसलिए मुझे आज ये क्लास लेनी पड़ी, लेकिन आगे जो आने वाला वीक है उसमें मैंने टॉपिक्स लगाए हैं सारे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की क्लास होती है टॉपिक वाइज करते हैं, और 4:30 बजे हमारी क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जितनी भी फुल GS, ठीक है, फुल GS कवर होता है उसमें, फुल GS कवर है आपका, ठीक है। 4:30 से 5:30 एक घंटे की क्लास होती है शाम को, तो आइएगा ज़रूर इवनिंग में 4:30 बजे और सुबह 11 बजे। आंसर क्या होगा करेक्ट, यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा चौथी पंचवर्षीय योजना, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक ये बिल्कुल सही है, 1961 से लेके 66 हुई, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो इंडो पाक वॉर हुआ, तो चाइना के साथ, पाक के साथ हमारे कैसे रिलेशन चल रहे थे, ख़राब रिलेशन चल रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, 66 से लेके 69 तक
66 से लेके 1966 से लेके 1969 तक यहाँ पर तीन एनुअल प्लान आए और इसको क्या करार दिया गया, प्लान हॉलीडे, यानी कि कोई भी इसमें प्लान नहीं बना, प्लानों को छुट्टी दे दी गई और अलग एनुअल प्लान बनाए गए 96 से लेके 67 तक। पहले तो पाँच साल का एक ही बार बनता था, अब हर साल का अलग अलग बनाया गया, ठीक है, 68 तक, फिर 1968 से लेके 1969 तक, फिर 1969 से लेके 1974 तक आया आपका चौथा फाइव ईयर प्लान। तो ये होगा गलत और करेक्ट क्या होगा, 1969 से लेके 1974 तक। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द साउदर्न एल्प माउंटेन रेंज लोकेटेड, इनमें से कौन सी जगह पर दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है। आंसर करो क्या होगा इधर, बहुत अच्छे चिन्ह में एकदम सही, आंसर करो इधर क्या होगा। एक तो क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन खराब है, मैम खराब है, टाइम खराब है, कुछ तो बताओ क्या खराब है, क्यों इतना कम अट्रैक्शन है, किसी को तो पता होगा। देखो जो ये साउदर्न एल्प्स है, यानी कि दक्षिणी एल्प वाला जो एरिया है, ये आपका पड़ता है साउदर्न आइलैंड, जितने भी साउदर्न यानी कि दक्षिणी द्वीप हैं किसके, न्यूजीलैंड के, ये कहाँ पर पड़ता है, न्यूजीलैंड के जितने भी दक्षिणी द्वीप हैं वहाँ पर पड़ती है आपकी साउदर्न एल्प माउंटेन की पर्वत श्रृंखला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, बाय व्हाट नेम इज़ द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन, यानी कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तो उनकी जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सैंगपो, ठीक है आंसर करो क्या होगा, या फिर सैंगपो आंसर करो क्या होगा। कोई बात नहीं, मुझे भी यही लगता है, शायद मैम ही ख़राब है, तुम्हें लोगों को मैम ही पसंद नहीं आ रही है, क्या करें अब, जो हैं जैसे हैं ऐसे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे बिल्कुल सही, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अरे क्विज में तो मैं कह रही हूँ ना, क्विज कभी भी करा लो, मैं क्विज भी कराती थी तब भी स्टूडेंट्स का यही हाल था, नहीं कराते हैं तब भी यही हाल है, ठीक है। आंसर क्या होगा इधर, आंसर होगा मेघना। अच्छा ये मेघना कब कहलाती है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र साथ में मिल जाती है और किसकी तरफ बढ़ती है, ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, किस में कर जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अच्छा ये बताओ पद्मा नाम किसका है, पद्मा नाम किसका है, पद्मा नाम है बांग्लादेश के अंदर, पद्मा किसको बोला जाता है, पद्मा किसको बोला जाता है, गंगा को बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है गंगा को, कहाँ पर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ही। जमुना किसको बोला जाता है, जमुना किसको बोला जाता है बांग्लादेश में, तो ये बोला जाता है आपके ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है, जमुना, किस में, बांग्लादेश में। पद्मा बोलते हैं गंगा, और पद्मा और जमुना जब साथ में मिल जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मेघना, किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। और सैंगपो कहाँ बोलते हैं, इस सैंगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, जो आपका तिब्बत और चीन वाला जो एरिया है ना वहाँ पर बोला जाता है, तिब्बत चीन ये वाला एरिया है यहाँ पर इसको बोला जाता है सैंगपो, ठीक है, क्या बोला जाता है, सैंगपो। और सिहांग और दिहांग आपका कौन से एरिया में बोला जाता है, सिहांग और दिहांग आपका कौन सा एरिया में बोला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपका क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गोविंद स्वामी पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। देवेंद्र आइडिया, देखो आइडिया ये है कि जब तक हम किसी चीज को ना पढ़ते कम हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, हम इसलिए उसको पढ़ते नहीं हैं तो ना तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और ना ही देखो किसी चीज़ में, कोई चीज़ तुम्हें करनी है तो पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। डरना बंद करो जीएस से, ये सोचना बंद करो कैसे करें क्या करें, जो दिख रहा है जो पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ के ये नहीं कि साइड कर दिया, बार बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा, डेली क्लासेस लो याद हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ में वो कुछ ही महीने पहले ही जुड़े हैं लेकिन उनको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है उनके जीएस के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर फॉलो करते हैं, ठीक है। रेगुलर अगर किसी गली में जाओगे तो वो गली याद हो जाएगी, तो ये जो
जीएसआई ये भी आपकी एक गली है, याद करो डेली, इसमें पढ़ो कुछ ना कुछ भी पढ़ो जो दिल करता है। आंसर क्या होगा इधर, करेक्ट आंसर क्या होगा इधर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वॉयलिन। हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, पीडीएफ बंद कर देंगे ना तो सब आएंगे। अब सबको लगता है कि पीडीएफ तो मिली जाती है, खुद से ही पढ़ लेंगे, क्या ज़रूरी है क्लास में आना, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्लास का एक्सपीरियंस होता है ना, वो पीडीएफ कभी नहीं कर सकती। तुम रट्टा मारना उसको, लेकिन क्लास में आके जितनी जल्दी तुम लोगों को याद होता है ना, वो तुम्हारे रट्टे से खुद घर पे बैठ के भी याद नहीं होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ के अच्छा लगता है तो पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ बांग्लादेश अडॉप्टेड, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक एम्ब्लम क्या होती है। जैसे हमारे इधर एम्ब्लम क्या है, वो तीन शेर बने हुए हैं, मैं बनाऊंगी नहीं वरना खराब बनेंगे तो फिर तुम लोग मजाक उड़ाओगे। ठीक है, आंसर करो इधर क्या होगा। बहुत अच्छे विवेक पटेल, एकदम सही, करेक्ट आंसर किसका है, विवेक पटेल का इधर करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा 1971 में इनकी नेशनल एम्ब्लम यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया, किसमें, 1971 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित हैं, नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन है आपके बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इधर, नंदी हिल्स। फटाफट आंसर करो, नंदी हिल्स कहाँ पे होंगे, ये होंगे आपके कर्नाटक। अच्छा इसको याद कैसे रखोगे, देखो आप में से जितने लोग जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, तो जो भी महादेव यानी कि शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो उनको पता है शिव जी के जो वाहन है नंदी, ठीक है, बैल का रूप होते हैं, ठीक है, बैल का रूप होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बाहर द्वार पे नंदी जी लगे होते हैं, तो लोग उनके कान में अपनी विश बोल के जाते हैं, ठीक है, उनके कान में विश बोलते हैं ताकि उनकी विश पूरी हो जाए। तो नंदी को कैसे याद रखना है, कर्नाटक, कान में बोल के गए, ठीक है, कान में बोल के गए, तो कर्ण से क्या याद रखना है, नंदी हिल्स कहाँ पर है, कान यानी कि कर्नाटक। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थ्री, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, भूटान नेशनल लैंग्वेज इज नोन एज, भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, किस नाम से जानी जाती है भूटान की राष्ट्रीय भाषा, जोंगखा, चेंगखा, शिलांगलाखा या फिर होशमखा। देखो आशीष, ये सारे क्वेश्चन आपके अभी रीसेंट के हैं, सीएचएसएल के, सीजीएल के और एनटीपीसी में जो पूछे हुए हैं वो, और ये वाले 2020 में जो अभी हुआ है ना, मतलब थे तो ये 2019 के, लेकिन 2020 में कंडक्ट हुए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो ये 2019 के हैं दोनों, ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। बताओ आंसर क्या होगा इधर, जितने भी लोग बोल रहे हैं इधर थ्री गलत होगा, जितने भी लोग बोल रहे हैं ए सही होगा। करेक्ट आंसर क्या है, जोंगखा, करेक्ट आंसर क्या है, जोंगखा। भूटान की जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय भाषा है उसका नाम है जोंगखा। मैं सोच रही हूँ इसकी क्या ट्रिक बनाऊं, फिर मैं सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ, ठीक है। अच्छा भुट्टा, भुट्टा खा, ठीक है, कैसे खा, जोंग खा, ठीक है, भुट्टा आपको कैसे खाना है, भूटान का भुट्टा आपको कैसे खाना है, जोंग के साथ खाना है, ठीक है, जोंग नाम का एक आदमी है भूटान के अंदर रहता है, तो उसके साथ आपको भुट्टा खाना है, तो आंसर क्या होगा, जोंग खा, ठीक है, जोंग के साथ क्या खाना है, भुट्टा, जोंग के साथ क्या खाना है, भुट्टा। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट्स, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, आंसर करो क्या होगा, सही है ना, याद हो जाएगा भुट्टे से, जोंगखा यहाँ पर आंसर आ रहा है। अभय ने बोला है यूपी, देवाशीष यूपी, गुरलाल सिंह बोल रहे हैं यहाँ पर सी, बहुत अच्छे, जितने भी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर यूपी करेक्ट है, जो लोग बोल रहे हैं एमपी गलत है, यूपी के अलावा जो भी कुछ बोल रहा है गलत है। अच्छा ये बताओ उत्तर प्रदेश कितनी राज्यों के साथ में, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, कितने राज्यों की सीमा को छूता है उत्तर प्रदेश, आंसर करो फटाफट, आंसर करो फटाफट,
कोई बात नहीं रितेश, उनको बोलने दो, मुझे पता है ना मैं कहाँ से उठा के ला रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है आंसर करो, इधर क्या होगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितने स्टेट्स के साथ में, मैंने पूछा कितने स्टेट्स के साथ में, तो 9 स्टेट्स के साथ में ये क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तराखंड, कौन कौन से है? एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है कौन सा? बिहार। तीसरा है कौन सा? झारखंड। चौथा कौन सा है? जल्दी मेरे साथ साथ लिखते रहो, तुम लोग मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अभी दो और बचे हैं। दो और कौन से हैं? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और बताओ और कौन सा है? हाँ वो तो भूल ही गई ही, मध्य प्रदेश के साथ भी करता है। किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ, MP। और एक और बताओ फटाफट, जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, फटाफट बताओ एक और बताओ फटाफट, एक रह गया है, कौन सा है जल्दी से बताओ? बहुत अच्छे सुयश, एकदम सही, छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ये 9 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा ये तो यूटी में आता है, ठीक है। दिल्ली किस में आता है? आपका यूटी में आता है, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डांसर ऑफ उड़ीसी। उड़ीसी की इनमें से कौन सी डांसर नहीं है? अगर वो उड़ीसी की डांसर नहीं है तो फिर वो कौन से नृत्य की डांसर है? अच्छा उड़ीसी आपका क्लासिकल फॉर्म होता है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। कौन सा? उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, उसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है उसको बोलते हैं उड़ीसी। बहुत अच्छे अमित, एकदम सही। दीपेश बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या होगा? यामिनी कृष्णमूर्ति। अच्छा यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसी की डांसर नहीं है, तो ये कौन से क्लासिकल डांस की डांसर है? कौन सी क्लासिकल डांस की ये डांसर हैं? ये होंगी आपकी भरतनाट्यम, और दूसरा कौन सा है? कुचिपुड़ी, उनकी डांसर है। ये किसकी है? कुचिपुड़ी में है ये एक्सपर्ट, और भरतनाट्यम में एक्सपर्ट हैं। बाकी ये तीनों हैं संजुक्ता, सोनल, माधवी, ये तीनों की तीनों उड़ीसी डांसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा यंत्र जो हवा की गति को मापने का काम करता है, एनोमोमीटर, ओडोमीटर, मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर। आंसर करिए इधर क्या होगा, आंसर करो इधर क्या होगा। यश ने आंसर किया है 1, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एनोमोमीटर। एनोमोमीटर क्या करता है? जितनी हवा की गति है उसको नापने का काम करता है। अच्छा ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर क्या दिखाता है? आपने देखा होगा आपकी कोई कार है, बाइक है, ठीक है, किसी भी टाइप का व्हीकल है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी कि आपने कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो दिखाता है इन अ व्हीकल, यानी कि व्हीकल के अंदर कितना दूरी तय हुई है वो दिखाने वाला कौन है? ओडोमीटर। अच्छा मैनोमीटर किससे रिलेटेड है? मैनोमीटर किससे रिलेटेड है? ये होगा आपका प्रेशर, यानी कि दबाव को मापने का जो यंत्र है कहलाता है मैनोमीटर। और बैरोमीटर क्या होता है? ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है, ये दबाव को मापने का काम करता है, और ये किसका करता है? वातावरण का जो दबाव है, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, वातावरण के दबाव को मापने का काम कौन करता है? बैरोमीटर। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? एनोमोमीटर, जो हवा की गति को मापने का काम करता है। नेक्स्ट है द हिल्स ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल आर लोकेटेड इन विच कंट्री, इनमें से कौन से देश के अंदर नीली, काली और हरी पहाड़ियां हैं? बताइए आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA या फिर रशिया। आंसर करो क्या होगा। बहुत अच्छे एक ही आशीष, ये आपका गलत होता है, बाकी अमित, देवाशीष और सुयश, नहीं नहीं सुयश का भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद का ठीक है।
बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने भी बोला है यूएसए, एकदम करेक्ट होगा। कहाँ पर हैं ये? काली, नीली और हरी पहाड़ियाँ, ये हैं आपकी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि ये जो ब्लैक हिल है, काली पहाड़ी है, ये कहाँ मिलेगी? ये यूएसए के अंदर आपको साउथ डकोटा नाम की जगह है वहाँ पर मिलेगी। ब्लू हिल ये कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेगी आपको मैसाचुसेट्स नाम की जगह है जो, मैसाचुसेट्स नाम की जो जगह है वहाँ पर मिलेगी। और ग्रीन पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ मिलेंगी? नैशविल नाम की जगह है, नैशविल नाम की जगह है यूएसए के अंदर, वहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस कहाँ पर हैं? यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना लाल घोष इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्ना लाल घोष इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृगदंगम, फ्लूट, शहनाई या फिर सरोद, बताइए आंसर क्या होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी पवन आपको यहाँ पर, शीतल शर्मा 01 ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीक से ये पॉलिसी स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक ये पॉलिसी पिंकी मैम की भी है कि वो शायद स्टैटिक जीके की जो क्लास लेती है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करती है, तो नेक्स्ट वीक पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो क्लास अटेंड करते हैं, पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी जो सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं। क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि क्लास अटेंड करने ही नहीं आते बिकॉज पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, यहाँ का बताइए आंसर क्या होगा। पन्ना लाल घोष ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? बांसुरी यानी कि फ्लूट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बांसुरी यानी कि फ्लूट। इससे पहले हमने एक और का पढ़ा था, वायलिन वाले कौन थे? वायलिन वाले कौन थे जिनका हमने नाम पढ़ा था इससे पहले, अभी आज ही की क्लास में एक वायलिन वाले का नाम पढ़ा था हमने, जो वायलिन प्लेयर थे, नाम क्या था उनका? बताओ नाम क्या था उनका? स्वामी गोविंद पिल्लई, कुछ याद आया? गोविंद पिल्लई कुछ याद आया? हाँ, गिविंग स्वामी, गिविंग स्वामी नहीं, गोविंद स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी पिल्लई ये इनका नाम था। इन विच ईयर भूटान अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से साल में भूटान ने अपना संविधान अपनाया, डेमोक्रेसी बना? उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल देंगे सुयश, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आंसर बताओ इधर क्या होगा। भूटान को उसका संविधान कहाँ से, भूटान कब ने कब अपना संविधान अपनाया? तो ये अपनाया कब? 2008 में। कब अपनाया ये? 2008 में। कितनी तारीख को अपनाया? तो ये अपनाया 18 जुलाई 2008 में। कब अपनाया? 18 जुलाई 2008 में। 18 जुलाई को प्रियंका चोपड़ा का भी बर्थडे आता है, और इसे 4 दिन पहले मेरा बर्थडे आता है, और इसे 2 दिन पहले कटरीना कैफ का बर्थडे आता है। मुझे सबके बर्थडे याद है, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ बर्थडे याद रखने में, मैं बहुत कमाल की हूँ, मुझे याद रह जाते हैं सबके बर्थडेज। नेक्स्ट है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बताओ आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा इधर? देख लो, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के साथ में मैं बर्थ डेट शेयर करती हूँ, मतलब आगे पीछे है लेकिन है जुलाई में, मेरे बर्थडे के अराउंड ही है। आंसर क्या होगा इधर? बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड में ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक बर्ड होता है और ये नागालैंड के आसपास के एरिया में भी मनाया जाता है, जो आसपास के म्यांमार वगैरह वाली मॉरिशियस है वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नागालैंड। नेक्स्ट है, तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस आस्ट हैं, और 2019 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर हुआ था उसके ये क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन है, CGL के क्वेश्चन है, CGL 2019 के क्वेश्चन है, और ये RRB NTPC के इनमें क्वेश्चन मिक्स्ड है। आंसर करो इधर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2014 कब? 2 जून 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बना। अच्छा ये बताओ, तेलंगाना कौन से राज्य से निकल के बना?
29वीं जो राज्य बना है, कौन से राज्य से निकल के बना, तो वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना, तेलंगाना बना। ठीक है, नेक्स्ट है, बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये बोमडिला दर्रा है, ये किस राज्य में स्थित है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। बताइए आंसर क्या होगा, बताओ इधर आंसर क्या होगा, बोमडिला पास। देवाशीष का इधर आंसर आया है अरुणाचल प्रदेश, अमित बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, अभय बोल रहे हैं सिक्किम, सुमिता बोल रही हैं बी, राजेंद्र बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। जितने भी लोग बोल रहे हैं बी या अरुणाचल प्रदेश, एकदम करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर है ये, बोमडिला, अरुणा, अरुण और आंचल है, ठीक है। अरुण आंचल से बोल रहा है कि मुझे बॉम्ब दिला के ला, ठीक है, क्या बोल रहा है, बॉम्ब दिला के ला, क्योंकि दिवाली आ रही है, मैं बॉम्ब पटाखे फोड़ूंगा। तो अरुण ने किसको बोला, आंचल को बोला कि मुझे बॉम्ब दिला के ला। तो बॉम्ब दिला पास कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि नीति आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया। नीति आयोग से पहले क्या था, नीति आयोग से पहले क्या था, नीति का इंग्लिश वर्जन प्लानिंग, आयोग का इंग्लिश वर्जन कमीशन। पहले चलता था प्लानिंग कमीशन, जिसके तहत क्या बनाते थे, ये हर 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। क्या बनाते थे, पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन। और जैसे ही प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015, यानी कि 2015 जब शुरू हुआ, 1 जनवरी 2015, न्यू ईयर जो 2015 का था, उसी में प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या चला दिया गया, नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजना भी रद्द कर दी गई। आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा 2015, 1 जनवरी 2015, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट इज फ्रॉम केरला, इनमें से कौन सी मार्शल आर्ट केरला से है, पक्का अखाड़ा, सेलम्बम, गटका या फिर कलारी पट्टू। आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा इधर, स्किप, विवेक ने बोला है 4, अभय ने बोला है 4, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू किससे रिलेटेड है, केरला से, ठीक है। किससे रिलेटेड मार्शल आर्ट है, केरला से। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये जो गटका है, ये आपका पंजाब से रिलेटेड है। किससे है गटका, पंजाब से रिलेटेड है, मार्शल आर्ट है ये पंजाब का, जिसे बोलते हैं गटका। और कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है, जिसे कहाँ का है, केरला का। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जो आर्द्रता का, यानी कि ह्यूमिडिटी का, उसका स्तर नापने के लिए बनाया गया है, उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, फैथोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। बताओ आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा इधर, हाइड्रो, हाइग्रो बोला है अमन कुमार ने, बाकी बोल रहे हैं हाइड्रोमीटर। देखो हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज मत होना, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, जैसे बारिश होती है तो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी, उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट, और मतलब गर्मी और चिपचिपाहट, मतलब बिल्कुल सब कुछ उमस टाइप का हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो हम बोलते हैं ना हाई गर्मी, हाई गर्मी, तो हाई ग्रो किससे रिलेटेड होगा, ह्यूमिडिटी, ठीक है, किससे रिलेटेड होगा, ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है, हाई गर्मी और कैसी चिपचिपाहट वाली गर्मी। हाइड्रोमीटर किससे रिलेटेड होता है, हाइड्रोमीटर किससे रिलेटेड होता है, आंसर करो, हाइड्रोमीटर किससे रिलेटेड होता है, ये ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को नापने के लिए ये यूज़ होता है, किसी एक तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटी को। गैल्वेनोमीटर ये इलेक्ट्रिक करंट को, ये ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज़ होता है। फैदोमीटर यूज़ होता है साउंड वेव्स का देखने के लिए, कि जो आपके समुद्र होते हैं उसकी गहराई देखने के लिए, कि वो जो साउंड वेव्स हैं वो कितना टाइम लेती हैं समुद्र के नीचे तक पहुंचने में, उस हिसाब से उसकी गहराई नापते हैं, किससे, फैदोमीटर से।
नेक्स्ट देखते हैं, डैश वॉज अ मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिना, कौन से इनमें से इन दोनों के, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिना दोनों के ही क्या थे, मेंटर यानी कि गुरु थे, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक, क्या होगा आंसर इधर? बहुत अच्छे, एकदम सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष कौन से साल में बने, कौन से साल में बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष कौन से साल में बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर करो। बहुत अच्छे विवेक पटेल, एकदम सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1905 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के लिए ही क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे, क्या थे इनके, राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, मेंटर कहो गुरु करो, राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, यादगीर बिदर और गडग कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट, कौन से राज्य के जिले हैं, ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, आंसर क्या होगा इधर बताओ, इधर आंसर क्या होगा, आंसर इधर आ रहा है, राजेंद्र ने बोल रहा है कर्नाटका, ओके बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यादगिर, बेदार और गडग, ये तीनों के तीनों आपके किसके डिस्ट्रिक्ट हैं, कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के। कान से जो चीज़ें तुम सुनते हो, अपने कान से सुनी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हो और वही तुम्हें याद भी रहती हैं, याद भी रहती हैं, तो यादगिर और बिदर कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के, ठीक है, और गडग यानी कि गुंडों से जो तुम डर जाते हो, वो भी कहाँ पर डरते हो, जो साउथ के गुंडे होते हैं उनसे डरते हो ना तुम, तो वो कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं, ठीक है। मुझे पता है ये याद करना थोड़ा सा अजीब होगा, याद हो पाएगा कि नहीं, फिर भी याद रख लेना कि यादगिर, बिदर और गडग गुंडे का जो डर है वो आपको कहाँ जाके याद आता है, वो आपको कर्नाटक में जाके याद आता है, गुंडे का डर कर्नाटक में जाके याद आता है। नेक्स्ट देखते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बांधवगढ़ नाम का जो ये टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है ये, अमित ने आंसर किया है MP, यश ने आंसर किया है थर्ड, रितेश ने आंसर किया है MP, पवन ने आंसर किया है C, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक तो है बांधवगढ़, मध्य प्रदेश का कोई एक ऐसा नेशनल पार्क बताओ जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला कोई एक नेशनल पार्क बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ कोई एक, पन्ना बहुत अच्छे, पन्ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कान्हा एकदम सही, कान्हा, और कोई, संजय नेशनल पार्क बिल्कुल सही, संजय नेशनल पार्क बिल्कुल सही, सतपुरा एकदम सही, पेंच नेशनल पार्क बिल्कुल सही, वन विहार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये कल ही कराया था वन विहार, बहुत अच्छे, ठीक है। एक फॉसिल वाला भी आता है आपका इधर, पन्ना है, पेच है, वन विहार है, संजय है, बांधव है, बांधवगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट वेयर बाय एथलीट परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक मूव एंड होल्ड वेरियस पोजेस ऑन वर्टिकल वुडन पोल, कहता है कि एक उत्तराधार जो आपकी लकड़ी का पोल होता है, एक लकड़ी का पोल होता है जो सीधा लंबा ऐसे खड़ा होता है, और उस पोल के ऊपर ये अलग अलग जिम्नास्टिक के मूव करते हैं, जिम्नास्टिक प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके के ये पोज करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, नंदन पाथू काली, महा मल्लाखंब, कलारी पयट्टू या फिर UB लखपी, बहुत अच्छे यश, एकदम सही, तुमने देखा होगा अगर किसी ने DID में देखा होगा तो ये भी एक डांस फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट किया था मयूर नाम के कंटेस्टेंट ने,
मुझे इतना पुराना याद है, मयूर बहुत पहले आता था, मतलब तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब उसने मयूर ने ये परफॉर्म किया था मालाखम, ठीक है, और उसकी रेमो डिसोजा ने काफ़ी तारीफ़ की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मालाखम यानी कि खम्बा है एक कैसा, एक पोल है, एक खम्बा है कैसा, वुडन यानी कि लकड़ी का खम्बा है, उसके ऊपर ये यहाँ इसके इर्द गिर्द मंडरा के जिमनास्ट के पोज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्लाखम। नेक्स्ट है, द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय अहोम पीपल, जो अहोम कम्युनिटी है किसकी, असम की, वो 31 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, किसकी याद में बनाते हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, जो उनसे दूर हो गए हैं उनकी याद में बनाते हैं। आंसर करो क्या होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, मी दम मी फी, ठीक है, मी दम मी फी, ये फेस्टिवल ये मनाते हैं, मनाते कौन है, अहोम और ताई अहोम कम्युनिटी, असम की ये कम्युनिटी है जो ये मनाती है, ताई अहोम और अहोम कम्युनिटी, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों कम्युनिटियाँ जो भी अरुणाचल प्रदेश और असम में, ये अहोम और ताई अहोम कम्युनिटी समुदाय हैं अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर, वो मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉरेन डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य रूप है जो लद्दाख का रॉयल डांस के रूप में भी जाना जाता है, आंसर क्या होगा। हाँ, रियलिटी शोज ऐसे ही हो चुके हैं, पर तब चले चले थे तो काफ़ी क्रेज था, पता नहीं था तब, अब तो कुछ भी, कोई रियलिटी शो भी नहीं देखते, और बिग बॉस तो बिल्कुल नहीं। आंसर करो क्या होगा, देवाशीष ने आंसर किया है शोंडोल, रितेश ने बोला है याक, राजेंद्र ने बोला है याक, विवेक बोल रहे हैं वन, तो मतलब यहाँ पर चल रहा है याक और उसके बीच में घमासान चल रहा है, याक और शोंडोल के बीच में, कुछ लोग बोल रहे हैं शोंडोल, कुछ लोग बोल रहे हैं याक, इनमें से अब जीतेगा कौन, इनमें से जीते वो जिन्होंने बोला शोंडोल, यानी कि जो रॉयल डांस है, ठीक है, रॉयल डांस है लद्दाख का, वो बोला जाता है शोंडोल डांस, रॉयल डांस लद्दाख का बोला जाता है शोंडोल डांस। अच्छा, जो ये याक डांस बोल रहे हैं ना कि ये याक डांस लद्दाख का है ही नहीं, ये याक डांस लद्दाख का नहीं है, ये कहाँ का है, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर याक डांस परफॉर्म होता है। अच्छा, कोशन डांस कहाँ पर होता है, आंसर करो, कोशन डांस कहाँ का होता है, ये भी लद्दाख का है, ठीक है, ये भी लद्दाख का है। और जबरो डांस ये किधर का है, ये भी आपका लद्दाख का है। हाँ, याक डांस देखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम दोनों जगह पे मनाया जाता है, सिक्किम में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। कोशन और जबरो लद्दाख में मनाया जाते हैं और शोंडोल लद्दाख में मनाया जाता है और ये लद्दाख का रॉयल डांस कहा जाता है शोंडोल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वॉर्म इज एन एक्रोनियम ऑफ, कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म का संक्षिप्त शब्द क्या है, कीड़ा नहीं है बॉस, वॉर्म है ये। राइट वंस रीड मैनी, वायरलेस ऑपरेटिंग रीड मॉड्यूल, वर्ड ऑन रैम मेमोरी या फिर वर्ड ऑप्टिकल रिकॉग्निशन वॉलमेयर, बताइए आंसर क्या होगा। रितेश, आपको याक से तिब्बत क्यों याद आया, आपको ऊंट क्यों नहीं याद आता, तिब्बत से तो ऊंट होना चाहिए ना, आंसर करिए इधर क्या होगा, कैमल होना चाहिए तिब्बत से तो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। कैसे रिमूव किए स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के, सो इजी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ वो देसी जुगाड़ है, देसी नुस्खे हैं कि मैं कल तक लगाती थी, फिर मैंने उसमें जड़ी बूटी डालनी शुरू की और अगले दिन से ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और अब मैं बिना चश्मे के देख पाती हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, राइट वंस एंड रीड मैनी, मतलब एक बार लिख दो और उसके बाद बस आके इसको रीड करना है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बस पढ़ोगे, ठीक है, इसको रीड कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव, अच्छा तुम्हें कल एक क्वेश्चन कराया था
कि रानी की वाव यानी कि क्वीन स्टेप वेल, इसका जो मोटिव, इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति है वो कौन से रुपये के नोट पे है, कौन से रुपये के नोट पर इसकी आकृति छपी हुई है उसके बैक साइड में? आंसर करो, इधर आंसर करो, यहाँ पे क्या होगा? 100 रुपये के नोट पे। बहुत अच्छे अमन। अमन कहते हैं कि बाकी सब क्वेश्चन जाए इधर उधर, मैम 100 रुपये के नोट पे आता है, ये पक्का है। एक आशीष, 200 नहीं होगा, 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सरस्वती नदी। कहाँ पर होगा? सरस्वती नदी। अच्छा ये बताओ, रानी की वाव कौन से क्षेत्र में है, कौन से राज्य के अंदर है? ये जो रानी की वाव आप बोल रहे कल्चरल हेरिटेज साइट है, इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को की जितनी भी कल्चरल हेरिटेज साइट हैं उसमें, जो आपकी विरासत की जितनी भी साइट हैं उसमें इंक्लूड किया हुआ है यूनेस्को में रानी की वाव को। कौन से राज्य के अंदर है? तो आंसर होगा गुजरात। बहुत अच्छे। कौन सी नदी पर? तो सरस्वती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासी कोंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पासी कोंकी नाम का ये लोक नृत्य कौन से राज्य का है? गोवा, हरियाणा, केरला या फिर अरुणाचल प्रदेश? आंसर करो क्या होगा, आंसर करो इधर क्या होगा। बहुत अच्छे देवाशीष, एकदम सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो जब भी आएगा यहाँ पर पासी कोंग की, और या फिर आएगा इधर आपका पोनुंग, या फिर आएगा पोपिर, ये सारे किसके हैं? ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और ये पासी कोंग की को परफॉर्म करने वाले ट्राइब का नाम क्या है? आदि ट्राइब, ठीक है। आदि समुदाय के लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश के, वो मनाते हैं पासी कोंग की, पोनुंग और पोपिर ये बनाते हैं, ठीक है। पोनुंग और पोपिर ये सारे तीनों के तीनों डांस किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पास कराया था, कौन सा दर्रा था, कौन सा दर्रा था? गोवा मत याद करो, अभी बस पढ़ाई करो, फिर गोवा जाना जब नौकरी लग जाएगी। कौन सा कराया था? उसने बोला था, अरुण ने आंचल को क्या बोला था? मुझे बॉम्ब दिला के ला। तो बॉम्ब दिला पास, बॉम्ब दिला दर्रा कहाँ पर था? बहुत अच्छे, बॉम्ब वाला, बॉम्ब दिला पास, बॉम्ब दिला के ला अरुण ने बोला किसको? अरुण आंचल को। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आंसर करो, किस तारीख को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? 20 मई, 22 जून, 22 मई या फिर 17 मई? आंसर करो क्या होगा। बहुत अच्छे, एकदम करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 मई। इस 22 मई को मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं बर्थडे याद रखने में बहुत अच्छी हूँ। अगर कोई भूल जाता है तो मुझे बता देना, मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? ये कृष्णा रिवर है, इसका जो स्रोत है वो कौन सा है? अमरकंटक, ताला, महाबलेश्वर या फिर मुलताई? आंसर करो। अच्छा कृष्णा रिवर पे मैंने तुम्हें बांध कराए थे, कौन से बांध थे कृष्णा रिवर पर? नागार्जुन सागर डैम किस पे था? कृष्णा रिवर पर। श्री सैलम डैम किस पर था? कृष्णा रिवर पर। अलामत डैम किस पर था? कृष्णा रिवर पर, ठीक है। बहुत अच्छे देवाशीष, सुमिता एकदम अच्छे, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा महाबलेश्वर। इसका जो स्रोत है, इस नदी का जो स्रोत है, जहाँ से ये नदी निकल के आती है, इसका पानी जहाँ से आता है वो कहाँ से आता है? महाबलेश्वर से, ठीक है। महाबलेश्वर आपका कौन से राज्य में पड़ता है? महाबलेश्वर कौन से राज्य में पड़ता है आपका महाबलेश्वर? फटाफट आंसर करो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो कि महाबलेश्वर आपका कौन से राज्य में पड़ता है। अमित ने आंसर किया है तमिलनाडु में। नहीं जी नहीं, आंसर करो फटाफट।
बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। महाराष्ट्र बोला है सुमिता ने, एकदम सही सुमिता। करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है। ये एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, महाबलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ USA, यानी कि अमेरिका के राज्य के राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन से हैं? शंकरा कुरुप, बॉबी जिंदल, जॉन टाइलर या फिर बिल क्लिंटन? बिल क्लिंटन तो अमेरिकन है लेकिन इंडियन तो है ही नहीं। आंसर क्या होगा इधर? बहुत अच्छे, सेकंड बोला है यश ने, देवाशीष ने बोला है बॉबी जिंदल। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बॉबी जिंदल। क्या होगा? बॉबी जिंदल। ये क्या बने? 2019 में बने थे ये पहले भारतीय अमेरिकन जो बने थे गवर्नर, 55वें गवर्नर बने थे ये, जो USA की एक स्टेट है ल्यूसिने नाम की जो स्टेट है उसके ये 55वें गवर्नर यानी कि राज्यपाल बने। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू बी ऑनर्ड? कौन सी IPS सबसे पहली ऑफिसर, IPS ऑफिसर कौन बनी जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला? इनमें से कौन थी वो, क्या नाम है उनका, कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 2018 में, नवाजा गया तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। और नाम क्या है उनका? आंसर इधर आ रहा है संजुक्ता, राजेंद्र बोल रहे हैं, बी संजुक्ता पराशर। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा अपर्णा कुमार। करेक्ट आंसर क्या होगा? अपर्णा कुमार। ये जो अपर्णा कुमार हैं ये 2002 बैच की IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश यानी कि UP, और 2018 में इन्हें मिला तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, और ऐसा पाने वाली ये पहली IPS महिला थी। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? म्यांमार के साथ में इनमें से कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ इधर क्या होगा? सिक्किम, 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 एकदम सही, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम। यानी कि इनमें से ये तीन स्टेट कैसी हैं जो इसके साथ साझा करती है, एक और स्टेट है जो इसके साथ साझा करती है म्यांमार के साथ, चार राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं। पहला कौन सा है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मिजोरम। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका मणिपुर। और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से सिक्किम नहीं है, बाकी ये सारे हैं। और एक और कौन है? नागालैंड। किसके साथ? म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट? कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन के बारे में दिया हुआ है? आर्टिकल 3, 5, 4 या फिर 2? आंसर बताओ क्या होगा इधर? आंसर बताओ क्या होगा इसमें? आंसर इधर आ रहा है आर्टिकल सेकेंड बोला है अमित ने, देवाशीष ने बोला आर्टिकल सेकेंड। ओके, आर्टिकल सेकेंड, आर्टिकल सेकेंड, एक बार फिर से देख लो, हो सकता है तुम्हारा गलत हो जाए, हो सकता है तुम्हारा गलत हो जाए। एक बार फिर से बताओ क्या होगा आंसर, क्रॉस चेक कर लो अपने आप को। आर्टिकल 5 ए के आशीष ने बोला है थर्ड। देखो ए के आशीष यहाँ पर होते हैं ठीक, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 3। जितने भी लोग बोल रहे हैं आर्टिकल 2, उसमें आर्टिकल 2 में ये नहीं दिया हुआ, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि नई स्टेट यानी कि नए राज्यों का गठन होगा आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन आर्टिकल 2 जो तुम बोल रहे हो उसमें पार्लियामेंट की पावर्स बताई गई हैं कि जो आपका यूनियन या स्टेट है उसको क्रिएट करने में पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर्स होंगी, कौन सी शक्तियाँ होंगी आपकी जो पार्लियामेंट है उसके पास में। ठीक है,
नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश? सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहली बार कब प्रकाशित की गई? 1990, 1980, 2000 या फिर 1981? बताओ आंसर क्या होगा इधर, बताओ इधर आंसर क्या होगा, कौन से साल के अंदर सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट पहली बार आई? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है 1990। 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास इंडेक्स तैयार किया गया किसके द्वारा? भारत और पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि इंडिया के जो अर्थशास्त्री थे, इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम क्या है? अमर्त्या सेन। ये नोबल प्राइज़ विनर है अमर्त्या सेन। और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का क्या नाम है? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का क्या नाम है? महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक, बहुत ही अच्छे, उम्दा परफॉर्मेंस। ठीक है, इन दोनों ने साथ मिलके क्या तैयार किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI तैयार किया गया। इसमें तीन बातें दी गई कि मानव का विकास कैसे होगा, मानव के पास शिक्षा का स्तर अच्छा हो, एजुकेशन लेवल देखा जाएगा कि देश का एजुकेशन का स्तर कैसा है, शिक्षा स्तर कैसा है। दूसरा देखा जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन का कितना आपका स्तर है, कितने आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पर औसतन आपके इधर कितना जी रहे हैं, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य। तीसरा क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आपके रहने का जो जीवन शैली है वो किस हिसाब की है, किस स्तर की है, रोटी कपड़ा मकान ही है या गाड़ी घोड़ा भी रखते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? खुआंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? खुआंग है ये एक किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ठीक है, कैसा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और पारंपरिक है, खुआंग। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इधर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा इधर? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नाम क्या है इसका? खुआंग। इसको याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे मिजोरम को खुआंग के साथ में, याद कैसे रखोगे ये तुम बताओगे मुझे। ठीक है, मीजो के अंदर राम खो गया, ठीक है, मीजो के अंदर राम खो गया, खुआंग। नेक्स्ट क्या है? रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कल तुम्हें मैंने गोल्डन फाइबर कराया था, गोल्डन फाइबर कराया था यानी कि स्वर्ण रेशा। दूसरा कराया था सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर में शाम की क्लास में याद है कि नहीं, जिन लोगों ने शाम की क्लास अटेंड की थी 4:30 बजे वाली, उनको पता होगा सिल्वर फाइबर में कौन सा आता है? कॉटन आता है, क्योंकि ये कैसा होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है, चमकता है एकदम, तो कैसा रेशा है? सिल्वर का, चांदी जैसा दिखने वाला रेशा है। और सोने जैसा दिखने वाला रेशा धागा कौन सा है? जूट का। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड था? जूट से था। फिश का, यहाँ पर फिश का नहीं, नहीं गोल्डन थोड़ी दिखती है, फिश का है ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। ऑयल सीड यानी कि तिलहन, और ऑयल सीड भी किसके? आपके मस्टर्ड यानी कि सरसों के और सूरजमुखी के, कैसे दिखते हैं? पीले, तो ऑयल सीड से क्या होगा? येलो। एग से क्या होगा आपका? एग से, पोल्ट्री से कौन सा रेवोल्यूशन था? ये था आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। अच्छा, इसमें कॉटन मैम सिल्वर है, यहाँ पे भी सिल्वर है, देखो इसमें एग में है खाली सिल्वर रेवोल्यूशन। और इसकी जो जनक मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस सिल्वर रेवोल्यूशन की यानी कि आपकी चांदी रेवोल्यूशन है जो उसकी जनक मानी जाती हैं। और सिल्वर फाइबर यानी कि खाली सिल्वर होगा तो एग होगा, फाइबर लगेगा सिल्वर के आगे तो हो जाएगा कॉटन। फ्रूट से रिलेटेड देखो, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपको भी पता है कि फ्रूट्स के दाम कैसे हैं? सोने के भाव जैसे हैं। फ्रूट्स के दाम कैसे हैं? सोने के भाव जैसे हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? फ्रूट से। दूसरा आपको पता है शहद के भी दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, हनी, वो भी किससे है? गोल्डन, और दिखता भी हनी गोल्डन है। ठीक है, और साथ में कौन सा? हॉर्टिकल्चर। और साथ में कौन सा? हॉर्टिकल्चर। तो ये तीनों चीज़ें आए, फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर, तो आपका आंसर क्या होगा? गोल्डन रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या पूछा है? गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो वो फलों से संबंधित है।
नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर्स इनमें से कौन सी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से संबंधित हैं? आंसर करो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट या फिर सेकेंड। आंसर क्या होगा? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट या फिर सेकेंड। आंसर करो इधर, आंसर करो इधर। आशीष टॉपिक वाइज देखो, मैंने तुम्हें बताया कि मैं जो शेड्यूल लगाती हूँ, जैसे अभी इस पूरे हफ्ते जो शेड्यूल चल रहा है ना, ये मैंने पिछले बुधवार को लगा दिया था, यानी कि वेडनेसडे को शेड्यूल दे दिया गया था। हर वेडनेसडे को शेड्यूल मिल जाता है और आगे की क्लासेस हम तभी सेट कर देते हैं। तो मैंने अभी भी जो आगे आपका आने वाला वीक है उसकी मैं क्लासेस सेट कर चुकी हूँ आगे आने वाले, क्योंकि उन लोगों को थंबनेल वगैरह सब प्रिपेयर करना होता है, तो उनको भी टाइम चाहिए होता है। तो आगे के जितने अभी मंडे टू संडे तक आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उसका मैं शेड्यूल लगा चुकी हूँ, और इन वाली क्लासेस का मैं पहले लगा चुकी थी, तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए या मिक्स चाहिए, इसलिए अब मैंने नेक्स्ट वीक में टॉपिक वाइज चलाई है, तो टेंशन मत लो। आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा इधर? सेकंड में वैक्यूम ट्यूब है सुमिता, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होगा सुमिता? अगर सेकंड में वैक्यूम ट्यूब है तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होगा? देखो ये जो आपके ट्रांजिस्टर्स है ना, ये आपके सेकंड जनरेशन में आते हैं कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वैक्यूम, फर्स्ट जनरेशन में कौन से आते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स आती हैं। सेकंड में क्या आते हैं? ट्रांजिस्टर्स आते हैं। थर्ड में क्या आते हैं? ये आते हैं आपके आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। उसके आगे फोर्थ जनरेशन में क्या आता है? फोर्थ जनरेशन में कौन सा आता है बताओ, फटाफट आंसर करो। फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन से आते हैं, क्या यूज होते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर? इनके अंदर भी क्या यूज़ होते हैं? इनके अंदर होते हैं वेरी लार्ज स्केल आईसीज, यानी कि बहुत बड़े पैमाने के इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होते हैं, लेकिन वेरी लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़े पैमाने के। यहाँ पे पूछा है ट्रांजिस्टर, तो वो होगा सेकंड में, फर्स्ट में आता है वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड में आता है इंटीग्रेटेड चिप्स, और फोर्थ में आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। और उसके बाद में अब आपको पता है रीसेंट में क्या चल रहा है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी इज एन अवार्ड फॉर द विनिंग टीम ऑफ। संतोष ट्रॉफी कौन से क्षेत्र में दिया जाता है विजेता टीम को ये पुरस्कार? हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? बताओ आंसर क्या होगा इधर, बताओ इधर आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करो। संतोष ट्रॉफी तुम्हें करा चुकी हूँ मैं, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बहुत अच्छे, एकदम सही, करेक्ट आंसर क्या होगा? फुटबॉल। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जितने भी लोग नए आए हैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने SSC ट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके SSC ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी यहाँ पर डेली दो क्लास आती है, एक सुबह 11 बजे और एक आती है शाम को 4:30 बजे। दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें और SSC ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको पता लग जाएगा मेरी क्लास कब स्टार्ट होने वाली है। आंसर यहाँ पर करेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड। और देख लेते हैं दुरंत कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। DCM कप किससे रिलेटेड है, ये भी किससे रिलेटेड है, आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा मौर्य शासक है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? आंसर करो क्या होगा, अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या फिर चंद्रगुप्त? आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा इधर? आंसर करो, बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। अशोका, अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया। अच्छा, अशोका ने ये बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कौन सी ऐसे युद्ध के बाद में जब अशोका ने लाशें पड़ी हुई देखी, जितने जो युद्ध के मैदान में सुबह उन्होंने लाशें पड़ी हुई देखी, देखा कि लोग कितना बिलख रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं, उसके बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये उन्होंने क्या किया है, और उसके बाद में वो उन्होंने बौद्ध धर्म में वो चले गए। कौन से? बहुत अच्छे,
कलिंगा के वॉर के बाद, कौन से युद्ध के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद, जिसमें बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई, बहुत ही लोगों की जाने गई। उसके बाद अशोका को रियलाइज़ हुआ, उसको एहसास हुआ कि ये सब कितना गलत है, युद्ध वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये कितनी गलत हैं, ठीक है। उसके बाद में वो उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, बताइए। वैशाली और नालंदा नाम की ये जो बौद्ध स्थल हैं ये इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? वेरी इजी, जिसने भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा हुआ है उसको पता होगा, ठीक है, उसको ये आंसर करेक्ट आता होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इधर? बहुत अच्छे यश, अमित, राजेंद्र, एकदम सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बिहार। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। वैशाली और नालंदा नाम की, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी भी सुना होगा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो भी बिहार में है। वैशाली जगह कहाँ पर है? वो भी बिहार में है। नेक्स्ट है बैंदीन खलाम इज ये कौन से राज्य का पारंपरिक नृत्य उत्सव है, ठीक है, डांस फेस्टिवल है, कौन से राज्य का? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात या फिर मेघालय? आंसर करो इधर क्या होगा। हाँ, बोध गया भी बिहार में। हाँ पता है अमित, हमें पता है, आपके नाम में ही लिखा है कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है। आंसर करो इधर क्या होगा, फटाफट आंसर करो। बहुत अच्छे, एकदम करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय। ये कहाँ से कहाँ पर बिलोंग करता है? बहदीन खलाम ये कहाँ का डांस फेस्टिवल है? डांस फेस्टिवल कहाँ का है? ये मेघालय का है। फेस्टिवल कहो, डांस कहो, दोनों चीज़ें आती है, क्योंकि ये इस फेस्टिवल पर ये डांस होता है, ठीक है। कहाँ का है? मेघालय का है। मेघ आए यानी कि बादल आए तो सारी चीज़ें क्या हो गई? बहदी कह गई। कैसे हो गई? बहदी यानी कि बह गई, ठीक है। बह गई क्या? जब मेघ आए, मेघ ने वर्षा की तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई? खलास हो गई, खलम, खलास हो गई, बह गई, ठीक है। तो बह गई से क्या याद रखोगे? मेघालय। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स इज स्मृति मंधाना एसोसिएटेड, इनमें से कौन से खेल के साथ में स्मृति मंधाना जुड़ी हुई है? जो लोग इस खेल से नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं नॉलेज रखते हैं उन्हें नहीं पता होगा। आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। स्मृति मंधाना जो इंडिया की इंडियन विमेन क्रिकेट टीम है उसकी प्लेयर है, विमेन क्रिकेट टीम की ये क्या है? प्लेयर है स्मृति मंधाना। बहुत ही अच्छा खेलती हैं, जिन्होंने भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। अच्छा, इसने ये तो बता दिया कुंदनकुलम नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है। ये किसके सहयोग के साथ ये इसकी स्थापना हुई है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर यूएस? आंसर क्या होगा इधर? आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, एकदम सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? रशिया। रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एटम स्ट्रॉय कंपनी, ठीक है। एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है रशियन, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है क्या? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब के साथ में मिलके क्या है? एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉरपोरेशन मिलके क्या बने? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया किसमें? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है संक्रांति द हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि हिंदू कैलेंडर के माघ माह में मनाई जाती है संक्रांति, जो कि फसल का त्यौहार है और भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो आपको बताना है इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? देखो, हमारे हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं? हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं मकर संक्रांति, ठीक है। संक्रांति का जो ये त्यौहार है 14th of Jan को आता है, 14th जनवरी को आता है ये,
और हरियाणा में इसे बोला जाता है मकर संक्रांति। और बहुत ही ज़्यादा लोकल उसमें बोलूँ तो संक्रांत भी बोला जाता है, लोकल भाषा में बोलूँ तो संक्रांत बोलते हैं और वैसे बोलते हैं मकर संक्रांति। लेकिन इसको गुजरात में क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा, पना संक्रांति यूपी में मकर संक्रांति होती है। अच्छा, बहुत सही, जिन्होंने भी बोला है उत्तरायण एकदम करेक्ट है। इसको क्या बोला जाता है, गुजरात के अंदर इसको बोला जाता है उत्तरायण। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल रखते हैं, यानी कि पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, तो ये बोला जाता है। अच्छा, लोहरी कब आता है, ये आता है 13 जनवरी को। पंजाब के लोगों का ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये क्या है, पंजाब के लोगों का हार्वेस्ट फेस्टिवल ये 13 जनवरी को मनाते हैं, और 14 जनवरी को हरियाणा के लोग मनाते हैं, गुजरात के लोग मनाते हैं उत्तरायण के नाम से, हरियाणा के लोग मनाते हैं मकर संक्रांति के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू स्केल माउंट एवरेस्ट माउंटेनियर्स नीड टू गो टू। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, बहुत ही ईजी सवाल। कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर की। अर्थ पर सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा हाइट वाली चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। जैनिज्म के, जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन अभी रीसेंट के हैं, तो ये लगा लो कि रीसेंट के क्वेश्चन हैं, तो अगर तुम्हें इनमें से कितने आते हैं और अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है तो तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर पक्के हैं कि नहीं है, आंसर बताओ क्या होगा। बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। देवाशीष, सुमिता, सर्वेश्वर, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा माउंट आबू। कहाँ पर है दिलवाड़ा के टेंपल माउंट आबू, ये कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। दिलवाड़ा टेंपल किसके हैं, जैन धर्म के दिलवाड़ा टेंपल हैं, माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट आबू में एक चीज़ और पड़ती है, माउंट आबू में आपकी एक चीज़ और पड़ती है जिसे कहते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है, ये गुरु शिखर है आपकी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली हिल्स हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, पहले भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, त्रिगुणा सेन या फिर प्रणब मुखर्जी, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। देवाशीष, सर्वेश्वर, रितेश, अमित, अरविंद, एकदम सही, जे एंड के किंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, कब से कब तक रही है एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी टर्म बताओ, कब से कब तक रही है एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री, आंसर करो क्या होगा, आंसर करो फटाफट क्या होगा। अच्छा, और कोई, ये कब से कब तक रहे, ये आपके अगस्त 1947 से आपके रहे, किसी का भी अभी तक आंसर नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। और कब तक रहे, फेब 1958 तक क्या रहे, इनकी टर्म थी, ठीक है, इनकी टर्म थी। और ये क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर द कंट्री एज ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच से मुक्त कब घोषित किया, घोषित बेशक से कर दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये सच है। आंसर करो क्या होगा, इधर आंसर करो, इधर क्या होगा, आंसर इधर आ रहा है, राजेंद्र ने किया है ए, अमित ने किया है वन, देवाशीष ने बोला है 150th बर्थ एनिवर्सरी, सुमिता ने बोला है ए, जेएनके ने बोला है वन, सर्वेश ने बोला है वन, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी जी की जो 150वीं यानी कि 150th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 2 अक्टूबर को,
2 अक्टूबर को इन्होंने क्या बोला, 2 अक्टूबर को इन्होंने बोला कि हमारा जो देश है वो खुले में शौच से मुक्त है। लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ एक्चुअल में है क्या? मुझे नहीं लगता ये चीज़ एक्चुअल में है। नेक्स्ट है, थ्रू अ स्मार्ट मूवमेंट यूजिंग अ पोन, यानी कि एक मोहरे का उपयोग करके एक स्मार्ट मूवमेंट दिखाई, एक स्मार्ट चाल दिखाई, उसके माध्यम से हिमाल गोसेन ने ग्रैंड मास्टर NR विशाख को मात दी। अब ये बताओ हम किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं, कैरम, शूटिंग, चेस या फिर टेबल टेनिस? बहुत ही लॉजिकल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल, बताओ आंसर क्या होगा। इधर सर्वेश ने आंसर किया है शतरंज, देवाशीष ने आंसर किया है चेस, सुमिता ने आंसर किया है सी, यश ने आंसर किया है चेस। बिल्कुल सही, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। आंसर क्या होगा इधर, आंसर इधर करेक्ट होगा चेस। हम किसके बारे में, मोहरे को यूज़ करके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चेस के बारे में बात कर रहे हैं, शतरंज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF क्विज एंड क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डाउट्स। ये मेरा इंस्टा ID है, जिसके पास भी इंस्टा ID है वो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकता है, शीतल शर्मा D ऑफिशियल पर। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है शीतल शर्मा 01, और आप ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करके काफ़ी सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, मतलब क्वेश्चन हो गए हैं ओवर, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट। आर यू रेडी फॉर द रिविजन और नॉट, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आप। हाँ बिल्कुल सही, ग्रैंड मास्टर शतरंज में ही होते हैं। अच्छा ये बताओ रिवीजन के लिए रेडी हो, फटाफट यस लिखो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो रेडी हो कि नहीं। 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद में अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं। 5 मिनट का फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बॉमडिला पास कहाँ पर है, बॉमडिला पास कहाँ पर है, फटाफट आंसर करो। बॉमडिला पास, बॉमडिला नाम का ये जो दर्रा है ये कहाँ पर है, बताओ आंसर क्या होगा, बताओ आंसर इधर क्या होगा। बहुत अच्छे, एकदम सही। जो लोग बोल रहे हैं सिक्किम, गलत कर रहे हो, अगर या तो तुम बाद में आए हो या तुम ध्यान से सुन नहीं रहे थे। कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने बोला अरुण ने आचर को कहा कि मुझे बॉम्ब दिला खेला, दिवाली आने वाली है तो बॉम्ब दिला पास कहाँ पर है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा ये बताओ कि कुंदन कुलन जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये इंडिया के साथ साथ और कौन सी कंट्री की एजेंसी कंपनी के साथ में मिलकर स्थापित किया गया है, बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा सर्वेश्वर आपने लास्ट 5 में ज्वाइन किया है, सर्वेश्वर आप ना थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, सुबह 11 बजे, ठीक है, कोशिश किया करो टाइम से आने की। आंसर बताओ क्या होगा, आंसर होगा बिल्कुल सही रशिया, आंसर क्या होगा रशिया होगा, एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट नाम की जो रशियन कंपनी है उसके साथ मिलकर। अच्छा ये बताओ ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर की जो पहाड़ियां हैं ये कौन सी देश में पाई जाती हैं, ब्लैक ग्रीन और ब्लू यानी कि काली नीली और हरी पहाड़ियां कौन से देश में पाई जाती हैं, हमने किया था। बहुत अच्छे अमित, बहुत अच्छे, थैंक यू सर्वेश्वर, आई वुड अप्रिशिएट दैट अगर आप टाइम से आएंगे, 11 बजे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जितने लोग आते हैं क्लास में उतना ज़्यादा मन लगता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ, मुझे जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, नए लोग रहते हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ। जहाँ पर अकेलापन आया वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, ज़्यादा अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, USA। ब्लैक है आपका साउथ डकोटा जो कहाँ पर है, USA में है। ग्रीन पाई जाती है नैशविल में और ब्लू हिल्स पाई जाती है आपकी मैसाचुसेट्स में। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से एरिया में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से क्षेत्र में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से क्षेत्र में है, जल्दी से बताओ कौन से राज्य में है बांधवगढ़, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे सुमिता शर्मा, सबसे पहले आंसर किया है MP में है। अच्छा ये बताओ कौन सा आर्टिकल आपका रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों के न्यू स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड आर्टिकल बताओ, नए राज्यों के गठन से संबंधित कौन सा आपका अनुच्छेद है, आंसर करें।
बहुत अच्छे अमित, एकदम सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल थ्री। क्या होगा करेक्ट आंसर? आर्टिकल थ्री। अच्छा ये बताओ, सागा दावा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? सागा दावा फेस्टिवल जो कि बुद्ध की आखिरी जो इच्छाएं थी उनके डेथ बेड पर, उसकी मेमोरी में मनाया जाता है। सागा दावा कौन से स्टेट में मनाया जाता है? कौन से स्टेट में मनाया जाता है सागा दावा? आंसर करो क्या होगा? आंसर होगा इधर सिक्किम। बहुत अच्छे सिक्किम, बहुत अच्छे। अच्छा नेक्स्ट ये बताओ, रॉयल डांस ऑफ थाईलैंड, सॉरी रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किसे कहा जाता है? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किसे कहा जाता है? नाम बताओ, ऐसे नाम स्टार्ट होता है। क्या होगा आंसर? याक डांस नहीं था, याक डांस किसका था? अरुणाचल का था, सिक्किम का था। और लद्दाख का क्या आंसर होगा? शोंडोल। ठीक है, शोंडोल नाम किसका होगा? लद्दाख के रॉयल डांस का। अच्छा ये बताओ, भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? भूटान की जो नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की, ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज वो क्या है? याद कराया था आपको, क्या है वो? भूटान की भुट्टा से याद कराया था, जोंगखा, जोंगखा। ठीक है, क्या खाना है आपको भूटान में जाके? जोंग के साथ में क्या खाना है? भुट्टा खाना है, जोंगखा। ठीक है, याद रहा कि नहीं रहा? अच्छा ये बताओ कि कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी है, उसका स्रोत कौन सी जगह है? उसका स्रोत कौन सा है? कृष्णा रिवर का स्रोत कौन सा है? कृष्णा रिवर का स्रोत कौन सा है? बहुत अच्छे देवाशीष, एकदम सही। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर है आपका महाराष्ट्र के अंदर सतारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, संक्रांति जो कि आपकी 14 जनवरी को आती है, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उसको गुजरात में किस नाम से जानते हैं? गुजरात में किस नाम से जानते हैं? फटाफट आंसर करो, गुजरात में किस नाम से जानते हैं? क्या होगा आंसर? उत्तरायण, उत्तरायण। बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इधर आपका? आंसर क्या होगा? 22 मई। आंसर क्या होगा इधर? 22 मई। बहुत अच्छे। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन से साल में आई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन से साल में आई? आंसर करो फटाफट, क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन से साल में आई? आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, 1990 में। मोहम्मद अली जिना और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? मोहम्मद अली जिना और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गांधी और जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? नाम क्या होगा उनका? नाम है उनका गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये INC के अध्यक्ष कब बने? INC के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने ये 1905 में। ठीक है, आज का सेशन यही होता है ओवर, हमारी रिवीजन भी हो चुकी है। अब मिलती हूँ आपसे 4:30 बजे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। कोशिश करती हूँ आज के जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, बढ़ा दूँ उसे। ठीक है, तो तैयार रहना, 4:30 बजे आना मत भूलना, टाइम से आ जाना क्लास के अंदर 4:30 बजे। अब ये मत कहना मैम आप आ जाना, ठीक है? मैं भी आने की कोशिश करूँगी टाइम से, ठीक है? कन्फर्मेशन नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ आज मैं टाइम से आऊँगी, 4:30 से ज़्यादा लेट नहीं करूँगी मैं, ठीक है? 4:30 से 4:35 के बीच में हर हाल में आऊँगी। ये चैलेंज है मेरा खुद के लिए, और तुम्हारे लिए भी चैलेंज है, सबको आना है 4:30 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द SSC YouTube चैनल। थैंक यू सो मच क्लास, बाय बाय एंड टेक।